Hello and welcome to the first class of Write Smart, the answer writing course where we understand answer writing through previous year questions. I am Dr. Shivin Chaudhary, All India Rank 297 this year. Welcome to Write Smart. Agar aap mains 2023 de rahe hain, you are hopeful of clearing this prelims. First of all, huge congratulations. Probably the toughest prelims I have seen in my life. So if you are giving mains 2023, you really need to use this opportunity well. आपके पास टाइम कम है ठीक है यू हैव जस्ट 3 months सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड बी ऑन शेड्यूल फॉर एवरीथिंग ओके हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मैं आपको कंटेंट की असाइनमेंट दूंगा यू हैव टू कंप्लीट दैट विद मी अलोंग विद योर ऑप्शनल आपको अपना ऑप्शनल तो करना ही है एंड मेरे साथ यहां पर कंटेंट भी कवर करना है जैसे मान लो मैं आपको कहूंगा कि वेडनेसडे को इंडियन सोसाइटी डिस्कस होगा उसके बाद फ्राइडे को इंडियन सोसाइटी डिस्कस होगा तो फ्राइडे तक यू नीड टू बी डन विद इंडियन सोसाइटी ओनली इफ यू आर वेरी रेगुलर एंड कंटिन्यू द कंटेंट विद मी कैन यू डू वेल इन दिस ईयर्स मीन्स क्योंकि आप यहां आए हो मीन्स यू हैव अ फियर ऑफ आंसर राइटिंग बट आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंटेंट यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ सो You learn the content with me and PYQs के through भी आप बहुत ज्यादा content समझ पाएंगे Second, repetition बहुत high होता है mains में तो यहां पर जो previous year questions आप करोगे उनको you have to do properly. Since repetition is very high in the mains, you have to do the previous year questions that you do here properly. Then, every single mark matters. इस साल अगर आपके 959 marks हैं mains में ये मैं पहले भी बता चुका हूं If you have 959 marks in CSE 2022 mains plus interview, so you are out of the list. Aapki koi bhi rank nahi hai. If you have 999 marks, you will become an IAS with rank 80. So aap dekho sirf 40 marks mein, just in a mere gap of 40 marks, the entire list is finished. Mere 970 marks hain. मेरे मार्क्स पे 12 लोग हैं सो पीपल विद द सेम मार्क्स एज मी आर एट लाइक देयर आर 12 पीपल 969 मार्क्स जिस बंदे के हैं उसकी रैंक 312 है मेरी रैंक 297 है सो एवरी सिंगल मार्क इन द मेंस मैटर्स तो आपका जो एफर्ट है फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड प्रीलिम्स हो गया भूल जाओ द एफर्ट फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट एक भी मिनट अगर आप रिलेंट करते हो अगर आप उसको छोड़ देते हो अगर आप कहते हो नहीं यार मन नहीं कर रहा इट माइट मीन दैट यू लूज वन मार्क एंड लूजिंग वन मार्क इज अ ह्यूज डील इन द मेंस प्रीलिम्स में उतनी बड़ी बात नहीं है आप 110 नंबर ले आओ आप 100 नंबर ले आओ दोनों में आपका प्रीलिम्स क्लियर है और कोई नहीं पूछेगा आपसे बट मेंस में एवरी सिंगल मार्क विल मैटर तो अगर आप 2023 का मेंस दे रहे हो ट्राई टू स्टडी 10 टू 11 आवर्स अ डे एट अ मिनिमम एंड संडे को आप हाफ ब्रेक ले सकते हो बट नथिंग मोर देन दैट यू हैव टू बी रिलेंटलेस अब कैसे होता है ये मैनेज हाउ इज 10 टू 11 आवर्स अ डे मैनेज्ड ये मैनेज होता है बाय शेड्यूलिंग वेल ये मैनेज होता है बाय लुकिंग एट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक ही चीज कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा वो तो इसीलिए 10 टू 11 आवर्स डे का सिंपल फॉर्मूला है दैट हाफ ऑफ द टाइम एवरी डे हैज टू बी स्पेंट ऑन योर ऑप्शनल आधा टाइम हर दिन आपको अपने ऑप्शनल पे करना है राइट बाकी आधा टाइम यू हैव टू डू फॉर जीएस रेस्ट जो आधा टाइम है वो आप जीएस पे स्पेंड करो आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है यहां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ऑप्शनल्स में कहीं जगह इंपॉर्टेंट भी है बट इन टेक्निकल ऑप्शंस इन ऑप्शंस दैट आर रिलेटेड टू योर यू नो योर ग्रेजुएशन वहां पर उतना आंसर राइटिंग का स्किल नहीं है यहां मेनली नॉलेज का गेम है तो अगर यहां पे नॉलेज का गेम है तो यू नीड टू स्पेंड हाफ ऑफ योर टाइम हियर एंड द अदर हाफ यू नीड टू स्पेंड ऑन जीएस संडे को हाफ डे आप ब्रेक ले सकते हो बट आई वुड रेकमेंड यू टेक दिस ब्रेक ओनली इफ यू हैव रिटन द टेस्ट प्रॉपरली नाउ यू हैव टू राइट द टेस्ट ऑन शेड्यूल इवन इफ यू हैवंट स्टडीड फॉर द टेस्ट ये बात जो है ये मुझे मनस्वी शर्मा ने बताई है हु इज ऑल इंडिया रैंक 101 दिस ईयर उनका 6th अटेम्प्ट था ठीक है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज मेड इट टू द लिस्ट एंड दिस वाज द मेन डिफरेंस ही टोल्ड मी ही वाज मेकिंग उन्होंने कहा कि अगर मेरा टेस्ट है जीएस1 का लेट्स से ऑन संडे और मैंने जीएस1 नहीं पढ़ाया ढंग से
तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेस्ट स्किप कर दूंगा. आई विल स्टिल गिव द टेस्ट ऑन टाइम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. GS1 का टेस्ट संडे को है तो आप उसी दिन लिखोगे, किसी भी तरह पूरा करो, बिकॉज ऐसे क्या होगा, मेंस आ जाएगा एंड तब तक भी आप सब कुछ पूरा नहीं कर पाओगे, राइट? सो इफ यू हैव अ टेस्ट, यू हैव जॉइंड अ टेस्ट सीरीज, देयर इज अ शेड्यूल, यू हैव नॉट स्टडीड, स्टिल यू हैव टू राइट द टेस्ट ऑन टाइम. आगे पीछे करने का टाइम नहीं है मेंस में. सेकेंड थिंग, इफ यू आर राइटिंग मेंस 2024, तो आपको लग रहा होगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम है. यू माइट बी गेटिंग दिस फीलिंग that you have a lot of time. पर क्या आपके पास बहुत ज्यादा time है? There are 12,000 people who will be writing the mains this year and let's say 13,000 and 3,000 will be giving the interview. ये 10,000 लोग बाहर हो जाएंगे और ये फिर से इनमें से at least 8,000 आपके साथ फिर से mains 2024 लिखेंगे. जब ये 8,000 लोग आपके साथ mains 2024 लिखेंगे, they will have an experience of writing the mains before. So it will be very difficult to beat them. ये जो 3,000 यहाँ बाहर हैं, इसमें से भी 2000 नेक्स्ट ईयर मेंस लिखेंगे. कुछ सिलेक्टेड लोगों में से भी अगले साल कुछ लोग मेंस लिखेंगे, मे बी लेट्स से 500. तो आपके पास 10,000 बड़े स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स होंगे मेंस 2024 के लिए. सो द टाइम टू रिलेंट इज नॉट देयर इवन फॉर यू. ठीक है, इस टाइम पे यू कैन नॉट स्टडी द वे हु इज यू नो लाइक समवन हु इज गिविंग मेंस 2023, आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकते हो. बट यू नीड टू कंसोलिडेट द अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग. अभी आप स्लगे स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा धीरे स्टार्ट कर सकते हो. प्रीलिम्स दिया है, प्रिपरेशन लंबी चल रही है, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आई अंडरस्टैंड. बट 5 to 6 आवर्स अ डे मिनिमम यू हैव टू गिव फॉर नाउ इफ यू आर एबल टू मीट द टारगेट्स हियर. अभी के लिए आप टारगेट्स मीट कर लेते हो तो बहुत है. बट गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से बाय जुलाई फर्स्ट वीक, आई वुड एक्सपेक्ट यू टू गेट टू 8 to 9 आवर्स अ डे मिनिमम. बहुत टफ और बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है ये. ठीक है, लक का रोल है, ये बात काफी हम कर चुके हैं. बट यू कैन बीट योर लक आल्सो. व्हेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन YouTube आई विल शेयर माय मार्कशीट. बहुत लोग डिमांड भी कर रहे थे. आई विल शो यू हाउ आई हैड टेरिबल लक इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड स्टिल आई एम इन द लिस्ट, राइट? आप लक को बीट कर सकते हो. लक कैन हेल्प यू, लक कैन ऑल्सो नॉट हेल्प यू इन दिस एग्जाम, बट स्टिल यू कैन बी इन द लिस्ट इफ यू मेक द राइट एफर्ट. एंड अभी बेस्ट टाइम है मेंस 2024 के लिए प्रिपेयर करने के लिए. So I will expect that you work absolutely hard. Are you clear with the amount of competition you are facing? Indian society ki baat ho gayi. First session mein I will write PYQs with you. Second session you will do most of the work. Indian society ka jo document hai wo aaj share ho jayega. And Wednesday tak main kahunga ki aap usko read karke aana. Theek hai, just read it once. Abhi yaad karne ki koshish mat karo. Read karo aur usko samjho. Jab main aapke saath 10-15 क्वेश्चन लिख लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या रिक्वायर्ड है उसमें, क्या क्या उसमें याद करना है, क्या क्या याद नहीं करना, क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं, कैसे डायमेंशन जनरेट होती है. देन यू आई विल आस्क यू टू रिमेंबर. ये जो वेंसडे और फ्राइडे के बीच में गैप होगा ना, यहाँ पे आई विल रिमेंबर एक्सपेक्ट यू कि आप इंडियन सोसाइटी को अच्छे से याद कर लो. देन वी वुड मूव ऑन टू अ नेक्स्ट सब्जेक्ट. तो ऐसे आपका GS7 के साथ कवर होता जाएगा. नाउ मेंस माइंडसेट. How is the mains conducted? I think यहाँ तक orientation हो गई है. आज अब हमारी class start है. Right? Now we are understanding how this course is going to work. And in the next 1 hour, I promise that 50% of your fear of answer writing will be gone. अभी मैं आपको कह रहा हूँ, let's take a break of 2 minutes. आप एक notebook ले आइए please. Please get a notebook. Okay? एक notebook ले आइए. Let's take a break of 2 minutes, get a notebook. In the next 1 hour only, 50% of your answer writing fear will be gone. आपको समझ आ जाएगा कि answer writing, अगर आपको सोचना आता है, तो answer writing is probably the easiest thing you can do. How is the mains conducted? 9 to 12 is the first slot, 2 to 5 is the second slot. Friday, Saturday, Sunday. इन dates पे mains होता है. Friday को यहाँ पे होता है essay का paper. यहाँ पे है GS1. यहाँ पे है GS2, यहाँ पे GS3 एंड यहाँ पे GS4. दीज आर द 4 पेपर्स, राइट? आई होप अब तो आवाज आ रही होगी. आई होप नाउ यू कैन हियर मी. या आई विल रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी, आई विल रिपीट एवरीथिंग. देखो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मेंस, ठीक है? अब अगर मैं आपको बोल दूं कि यहां से यहां तक आपको लिखना है, कंटेंट छोड़ दो,
मान लो आपको कंटेंट कुछ भी नहीं आता, मैं बस कहूँ यार ये पेजेस भर दो सारे, तो आपसे नहीं लिखा जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस, लॉट ऑफ फिजिकल हार्डवर्क, आपको अपने हैंड को ट्रेन करना पड़ेगा फॉर दिस, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। GS4 आते आते ना वहां पे लोग बैंडेजेस लगा रहे होते हैं मेंस में, कोई वॉलनी छिड़क रहा है, कोई मसाज करा रहा है, ये हालत हो जाती है GS4 आते आते, बिकॉज फिजिकली भी डिमांडिंग है। एंड ऑफकोर्स इफ इट इज फिजिकली डिमांडिंग, इट इज ऑल्सो मेंटली डिमांडिंग, दिमाग पे तो जोर पड़ेगा इस सारे काम में, राइट? सो बोथ फिजिकली एंड मेंटली दिस प्रोसेस इज रियली रियली डिमांडिंग, सो यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ, एंड ये वो टाइम है टू ट्रेन योर सेल्फ टू वर्क हार्ड। उसके बाद क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे ये पांच पेपर हो गए, उसके बाद मंडे टू फ्राइडे देयर इज अ ब्रेक फॉर द ऑप्शनल, सैटरडे को हिंदी या इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है। एवरी ईयर 10% पीपल विल फेल दिस क्वालिफाइंग पेपर, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। 10% लोग यहां फेल हो जाते हैं, एंड यहां फेल होने की पता है सबसे खराब बात क्या है, दैट योर अदर पेपर्स विल नॉट बी इवन चेक्ड, आपकी मार्कशीट ही नहीं आएगी। ऑन योर मार्कशीट द ओनली थिंग विल बी रिटन इज सिंस यू हैव नॉट पास द क्वालिफाइंग पेपर, सिंस यू हैव नॉट पास द क्वालिफाइंग पेपर द कमीशन हैज नॉट चेक्ड योर मार्क्स, सिंपल सी बात है। तो ये प्लीज इग्नोर मत करना। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश ठीक है, हिंदी नहीं होता दिस इज योर मदर टंग, इंग्लिश इज कंपल्सरी, इंग्लिश तो चलो सबकी ठीक ही होगी, हिंदी या जो भी आपकी मदर टंग है उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। नाउ ऑप्शनल पेपर वन, ऑप्शनल पेपर टू हैपन्स ऑन संडे। तो अगर आप ध्यान से देखो, आफ्टर गिविंग GS4 ऑन संडे, मंडे टू फ्राइडे एंड हाफ ऑफ सैटरडे यू हैव फॉर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल रिवाइज करने के लिए GS देने के बाद आपको 6 days मिलेंगे, एटलीस्ट 5 days कंप्लीट एंड 1 day हाफ। तो अगर 6 दिन में आप अपना ऑप्शनल 2 बार रिवाइज कर सकते हो तो यू आर सॉर्टेड, ओके? तो ऑप्शनल में टाइम है रिविजन का, बिकॉज यू गेट दैट ब्रेक फॉर द ऑप्शनल, बट GS में वो ब्रेक नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इन पेपर्स में समझते हैं कि कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। इफ आई हैव टू राइट इन द GS, देर आर 10 questions ऑफ 10 marks, देर आर 15 questions ऑफ 10 marks, कितने हो गए 250 marks। इसका एक GS का पेपर होता है, 10 marker में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट 150 words, तो कितने वर्ड्स एक्सपेक्ट हो गए 1500 words। 15 marker में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट 250 words, तो कितने वर्ड्स हो गए 2500 words। तो व्हाट इज द टोटल 4000 words। अगर मैं आपको कहूं ना अभी कि 3 घंटे में 4000 word बस लिख दो, कुछ भी लिख दो, माई नेम इज शिविन, ये वर्ड 4000 times लिख दो, ये करने में भी आपको 2.5 घंटा लग जाएगा। वहां आपको सोचना भी है, डायग्राम भी बनाना है, क्वेश्चन भी देखना है, तो इट इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम। लोग प्रिलिम्स को टफ कहते हैं, बट प्रिलिम्स में घर पे प्रिपरेशन हो सकती है, वहां पे डिलीवरी में सिर्फ आपको काम रहना है, यहाँ पे आपको काम भी रहना है, फिजिकली स्ट्रांग भी रहना है, आप बीमार भी नहीं पड़ सकते। एक के बाद एक पेपर है। GS1 की माइंडसेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, GS2 की माइंडसेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। GS2 का क्वेश्चन देखोगे तो यू आर सपोज टू कोट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, यू आर सपोज टू कोट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। GS1 का क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी है। अगले दिन GS3 है जो करंट अफेयर्स बेस्ड है, रात को GS4 है जो थ्योरी बेस्ड है। सो देयर इज अ ह्यूज ह्यूज एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्लियर द मेंस। एनीबॉडी हु हैज जस्ट मेड इट टू द इंटरव्यू एंड क्लियर्ड मेंस हैज डन अ लॉट ऑफ एफर्ट। सिर्फ इंटरव्यू देना ही बहुत बड़ी बात है इस एग्जाम में, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अ ह्यूमेन वे टू टेक द एग्जाम, बट ऐसा ही है एंड वी हैव टू सर्वाइव दिस, ठीक है? तो अब आप समझो कि इसके लिए आपको चाहिए क्या। फ्राइडे को आपको एसए का पेपर है, सैटरडे को GS1 GS2, संडे को GS3 GS4, यही है ना? तो अब फ्राइडे से पीछे चलते हैं, इस फ्राइडे से पहले क्या होगा। जब आपको प्लानिंग करनी है, मैं हमेशा बोलता हूं रिवर्स प्लानिंग करनी है। रिवर्स प्लानिंग करने के लिए लेट्स लुक एट इट 1 week बिफोर द मेंस, मेंस से पहले देखते हैं एक हफ्ता क्या होगा। संडे को, संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इज द मेंस डेट, ठीक है? यही होगा हमारे साथ। संडे को क्या करना है, संडे को आपको एक दिन में पूरा GS4 रिवाइज करना होगा। मंडे को क्या करना है, मंडे को एक दिन में आपको पूरा GS3 रिवाइज करना होगा। ट्यूजडे को क्या करना है, ट्यूजडे को एक दिन में आपको GS2 रिवाइज करना होगा। वेडनेसडे को क्या करना है,
एक दिन में पूरा जीएस वन रिवाइज करना होगा। थर्सडे को क्या करना है, एससे के अपने नोट्स कंसोलिडेट करने होंगे और एससे के नोट्स के साथ जीएस फोर भी रिवाइज हो जाएगा। दिस वुड बी योर शेड्यूल। संडे को एक दिन में पूरा जीएस फोर रिवाइज होगा। दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई डिड दिस ईयर। मंडे को जीएस थ्री, ट्यूजडे को जीएस टू, वेंसडे को जीएस वन, थर्सडे को एससे, एससे के साथ जीएस फोर, यहां एससे लिख के आओ एंड अगेन जीएस वन जीएस टू रिवाइज करने में लग जाओ। ओके, देन यहां जीएस टू लिख के आओ, अगेन जीएस थ्री रिवाइज करो यहां पे, क्योंकि जीएस फोर तो आपने थर्सडे को रिवाइज किया था। देन यू राइट जीएस थ्री, देन यू टेक सम ब्रेक, इस ब्रेक में जितना जीएस फोर याद होता है और यहां जीएस फोर लिख के आओ। काफी ब्रूटल है ये पूरा पेपर, एक आपको एक दिन में रिवाइज करना है, राइट? तो कंटेंट बहुत हो जाएगा आपके पास पढ़ने के लिए। यू विल हैव टन्स एंड टन्स ऑफ कंटेंट टू रीड। सो व्हेन यू हैव टन्स एंड टन्स ऑफ कंटेंट टू रीड, यू कैन नॉट डू द आंसर राइटिंग इन द पेपर। पेपर में नहीं सोच सकते कि कैसे आंसर लिखना है, वो चीज आपको पहले से आनी चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं। जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, ये पेपर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इन पेपर्स का फॉर्मेट क्या है, 10 मार्कर इंटू 10 क्वेश्चन, 15 मार्कर इंटू 10 क्वेश्चन, ये हुए 250 मार्क्स। आपके पास टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 180 मिनट्स। तो अगर मैं सिंपली देखूं तो 15 मार्कर में 11 मिनट है और 10 मार्कर में 7 मिनट है। बट क्या यह बात सच है, क्या ऐसे ही होती है? नहीं, आप हर 10 मार्कर 7 मिनट्स में नहीं लिख पाओगे, आप हर 15 मार्कर 11 मिनट्स में नहीं लिख पाओगे। कोई इससे कम भी लिखा जाएगा, कोई इससे ज्यादा भी लिखा जाएगा। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट कैलकुलेट नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट कैलकुलेट होती है थ्रू स्लॉट्स। यू विल सी के फर्स्ट आर में क्या करूंगा, देन सेकेंड आर में क्या करूंगा, देन थर्ड आर में क्या करूंगा। एंड एज फार एज आई नो, फर्स्ट आर में अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। दिस टाइम माई बेस्ट टाइम मैनेजमेंट वॉज इन जीएस पेपर वन, जहां 5 मिनट पढ़े थे और मेरा पेपर खत्म हो गया था। वाई? बिकॉज द टाइम मैनेजमेंट इन द फर्स्ट आर वॉज द बेस्ट। ओके, फर्स्ट आर में टाइम मैनेजमेंट बेस्ट थी। अब दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज दैट फर्स्ट यू डू द क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है, ये 10 मार्कर है, एंड 11 to 20 जो है ये 15 मार्कर है। ठीक है, ये हमें पता है 1 to 10 इज 10 मार्क्स, 11 to 20 इज 15 मार्क्स। अब कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन 1 से लिखना स्टार्ट कर दें। व्हाट इज द आइडिया, जब आपको मेंस की आंसर कॉपी मिलती है तो आपके पास 5 मिनट्स होते हैं रीड करने के लिए। आपको आंसर शीट मिलती है, यू हैव 5 मिनट्स टू रीड। आप लास्ट पेज पे देखोगे तो डिटैचेबल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है, वो आप निकाल के क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो फॉर 5 मिनट्स। मोस्ट सेंटर्स पे 5 मिनट मिल जाते हैं। नाउ इफ यू हैव फाउंड 5 मिनट्स, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को आप करो 40 मिनट्स में, देन आप करो 11 to 20, एंड 6 to 10 को आप करो लास्ट के 30 मिनट्स में। इसमें ऑफ कोर्स वो टाइम यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है 7 मिनट से, और यहां पे आप 11 मिनट्स रखोगे, एंड यहां पे अगेन आप यू नो 5 into 6 मिनट्स के आसपास पर क्वेश्चन रखोगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हर क्वेश्चन में होता है। बट दिस इज नॉट व्हाट आई फॉलोड। आप ये ट्राई कर सकते हो, कई टॉपर्स ने रेकमेंड किया है, बट मैंने ये नहीं फॉलो किया। आई विल टेल यू व्हाट आई फॉलोड इन द मेंस। आई फॉलोड दिस क्वेश्चन 11 to 20 फर्स्ट, सीधा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करो। देखो, एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन 1 से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है, बट मैं मानता हूं कि यूपीएससी के एग्जामिनर्स इतने प्रोफेशनल हैं कि अगर आप पहले 4-5 क्वेश्चन अच्छे नहीं लिखोगे, बाद के अच्छे लिख दोगे, तो दे विल गिव यू प्रॉपर मार्किंग। वो स्कूल के एग्जामिनर नहीं है कि पहले 2 क्वेश्चन देखे ये तो ठीक है तो ये बंदा बढ़िया है, ऐसे नहीं हो रही वहां मार्किंग, राइट? तो व्हाट आई डिड वाज पहले 11 to 20 में टारगेट क्या था कि पहले 1 आवर में 6 क्वेश्चन हो जाए। तो मैंने 11 to 20 में 11, 12, 13, 14, 15, 16, दिस वॉज द टारगेट इन द फर्स्ट 1 आवर। तो मैंने 10 मिनट्स में एक 15 मार्कर लिख लिया, बिकॉज इन 60 मिनट्स आई हैव रिटन 6 15 मार्कर्स। इफ यू अचीव दिस इन द फर्स्ट 1 आवर, यू विल नेवर फेल टू कंप्लीट द पेपर। आपका पक्का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद टाइम मैनेजमेंट आसान है एंड आप ग्रूव में आ चुके हो आंसर राइटिंग के। तो ये चीज आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करनी होती है। दिस इज द मेन रीजन यू टेक मेंस टेस्ट सीरीज, फॉर लर्निंग टाइम मैनेजमेंट। इवैल्यूएशन बकवास है, ठीक है, आप देखना है इवैल्यूएशन खोल के टिक 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 मार के 4 नंबर दे देते हैं, बहुत जगह हो रहा है ये। बट जो टाइम मैनेजमेंट है
वो यहां से सीखो गया एंड दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट. नाउ अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो आपको क्वेश्चन एक 15 मार्कर आपको लिखना है विद इन 10 मिनट्स. आपको एक 15 मार्कर क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स लिखना है, 10 या 11 मिनट्स में लिखना है. एक 10 मार्कर आपको अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स में लिखना है. ठीक है, ये बात समझ आ गई. अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिखता है, आपको दो पेज भरने हैं, आपके पास 7 मिनट है लिखने के लिए, 10 मार्कर की बात कर रहा हूं, तो पहले मिनट में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी डिमांड क्या है, इसके सब पार्ट्स क्या हैं और किस अप्रोच से इसकी डायमेंशंस जनरेट होंगी. सोचने के लिए एक मिनट ही है क्योंकि लिखने के लिए टाइम कम है. राइट, फॉर थिंकिंग यू हैव जस्ट 1 मिनट. सो इन द फर्स्ट मिनट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वंस यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड यू नीड टू कैटेगराइज इनटू सब पार्ट्स कि पहली सब हेडिंग क्या बनेगी, दूसरी सब हेडिंग क्या बनेगी, इंट्रो में क्या लिखा जाएगा, कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा. यू नीड टू रिकॉल द पॉइंट्स एज यू राइट. जब आप लिखोगे साथ साथ आपकी रिकॉलिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि पहले बैठ के सोच लो, दिमाग में पॉइंट साथ साथ आने चाहिए. एक पॉइंट में लिख रहा हूं और अगले पॉइंट पे दिमाग चल रहा है, तभी तो 7 मिनट में 150 वर्ड लिखे जाएंगे यार. ये तो कैसे लिख लेंगे हम 7 मिनट में 150 वर्ड, वो भी एक के बाद एक. एक बार आप कर लो, दो बार कर लो, तभी. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डेली आंसर राइटिंग. एक क्वेश्चन तो आप लिख ही लोगे, बट यू हैव टू राइट 20 बार आपका दिमाग चलना चाहिए 20 डिफरेंट क्वेश्चंस में, जहां आप रेपिटेशन भी नहीं कर सकते. सो यू नीड टू रिकॉल एज यू राइट. लिखते लिखते आपको दिमाग में याद आना चाहिए. सो फिलिंग 2 पेजेस ऑफ द मेन आंसर शीट इन 6 मिनट्स इज अ डिफिकल्ट टास्क. इवन इफ यू रिमेंबर जो टास्क एट हैंड है, अगर आप पूरा क्वेश्चन ढंग से याद कर लो ना, तो भी 6 मिनट में आप 2 पेज पूरी मुश्किल से ही भर पाओगे. तो इसका एक काम करते हैं, आप मेरे को सब एक बात बताओ चैट में. Have you understood how the mains exam take place? आपको समझ आ गया mains exam कैसे होता है? I hope पता चल गया ना. Friday, Saturday, Sunday, then next Saturday, next Sunday, qualifying paper, optional paper. I hope all of this is clear. एक बार ये चार्ट में बता दो. समझ आ गया? ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू हैव अ नोटबुक विद यू. एक नोटबुक निकाल लो यार, मैंने आपको बोला था तब टाइम भी दिया था नोटबुक के लिए. एक नोटबुक निकाल लो, जस्ट गेट अ नोटबुक आउट, कोई भी नोटबुक. अभी उसमें वो मार्जिन होने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं है मार्जिन पेज पे तो ड्रॉ कर लो. ठीक है, प्रेफरेबली टेक अ ब्लैंक नोटबुक, नॉट अ लाइन नोटबुक, एंड ड्रॉ सम मार्जिन ऑन द पेजेस. प्रेफरेबली नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जस्ट गेट एनी नोटबुक आउट. नोटबुक के साथ रेडी हो ना सब. अनिरूप, सौरभ, इप्सिता, नवनीत, श्रेया, आकांक्षा, डॉक्टर समीरा, संभावी, गैंजेस, तरुण, सब कुछ याद है. बढ़िया, ये क्वेश्चन लिखो. एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ द यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम. 8 मिनट है आपके पास, राइट दिस आंसर. लिखो, प्लीज करना ये. Take your notebook out and write this answer. आपको तो पता है अब mains का format, you know the content. पहले भी पता होगा. लिखो, start writing. 8 मिनट है, लिखो इस answer को. 10 मिनट है, 10 में आपसे question है. 2 pages में you have to fill. In now 15 seconds are already gone. Write this answer in the next 8 minutes. अब देखो, 2-3 चीजें हम समझते हैं. पहले तो this is probably the easiest question you could write. इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था, है ना? सबको पता है ये. जब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी होगी उस दिन आपको ये पता चल गया होगा. सो प्रोबेबली द इजीएस्ट वे, इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कुड बी रिटन वाज दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, यू हैड 8 मिनट्स, यू विल नेवर गेट 8 मिनट्स फॉर दिस, यू विल गेट एट बेस्ट 7. एंड यहां पे आपको सोचने का टाइम नहीं चाहिए था बिकॉज यू न्यू व्हाट वाज रिक्वायर्ड. इवन देन आई एम श्योर if you read your answer back, ab apna khud ka answer dobara padho, if you read your answer back you will realize that there was many things that you could have written better, hai na? kya ye baat aapko realize nahi ho rahi? handwriting achhi nahi hai, introduction acha nahi hai, conclusion acha nahi hai, kisi ne diagram nahi banaya hoga, hai na? ban sakta hai na diagram, flow chart ban sakta hai, timings ka ban sakta hai, right? you have to explain the format. format mein you are supposed to mention the marks, you are supposed to mention the number of exams,
What happens when people are selected? इंटरव्यू के बारे में मेंशन करना जरूरी था कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका वो है. हाउ मेनी पीपल गिव द एग्जाम, है ना? एग्जाम का फॉर्मेट में पेपर का फॉर्मेट क्या है, टाइमिंग्स क्या है, कितने पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग कौन सा पेपर है, ऑल ऑफ दिस हैड टू बी देयर इन योर आंसर. एंड अगर आपने लिख भी लिया होगा तो इट मस्ट बी हाफ हैजर्ड. व्हाई? बिकॉज जब आपने क्वेश्चन देखा, क्या आपने सोचा क्वेश्चन के बारे में? नहीं, लिखना शुरू कर दिया. यही कर रहे हैं ना, क्वेश्चन देखा, लिखना शुरू कर दिया. आपको बहुत लोगों को ये फील आई होगी जब आपने यहाँ पे जैसे आपने लिखना स्टार्ट किया होगा, यू मस्ट हैव स्टार्टेड राइटिंग. आपने यहाँ से लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ जाके आपको लगा होगा कि अरे यार यहाँ पर ना एक और अच्छा पॉइंट आ सकता था. ये हुआ है ना आप लोगों के साथ कि यार ये पॉइंट अच्छा आ सकता था. एंड रीड योर आंसर अगेन, जस्ट स्पेंड अ मिनट एंड रीड योर आंसर. आपको रियलाइज हो जाएगा कि इससे बहुत बेटर आंसर लिखा जा सकता था. अभी नहीं, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं इससे बेटर आंसर लिख सकता था. अभी अभी नहीं. एंड इजिएस्ट क्वेश्चन, राइट, विद एक्स्ट्रा टाइम, विद अ वार्निंग, वेर यू हैड टू जस्ट राइट वन क्वेश्चन. प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आपके लिखने में है ही नहीं, प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग में है. यू डिड नॉट थिंक इन अ मैनर दैट वॉज कंड्यूसिव टू द आंसर. अगर आप थिंकिंग वैसे करते तो आपका आंसर बेटर होता. और ये थिंकिंग कैसे करनी है, यही इस कोर्स का पूरा पॉइंट है. चलिए आगे देखते हैं. कंटेंट आता था? बिल्कुल आता था. आपको डिमांड पता थी? बिल्कुल पता थी. ये मुझे बताना जरा, अकॉर्डिंग टू यू डिड यू राइट अ गुड आंसर? गुड मींस दैट आप इस खुद आंसर में खुद को 10 में से 6 दे दोगे. डिड यू राइट अ आंसर वर्दी इनफ टू गेट 6 out of 10? जस्ट टेल मी दैट इन द चैट. नो नो, ठीक है, कई लोग यस कह रहे हैं, दैट्स गुड, बट मोस्ट लोग कह रहे हैं नो. इसका मतलब मोस्ट लोग ऑनेस्ट भी हैं. कोई कह रहा है 3 दूंगा मैं, कोई कह रहा है 2. क्यों दोगे भाई 3 या 2? क्योंकि खुद हमने सोचा ही नहीं. 2 चीजें चाहिए थी. वी नीडेड टू राइट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, बट वी नीडेड टू रिकॉल इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. यहां पर तो सिर्फ राइटिंग वाला कंपोनेंट चेक हो रहा है, रिकॉल तो यहां चेक ही नहीं हो रहा. We did not check recall here at all. आपको आती हैं ये चीजें? It was, अगर आपको कुछ भूल गया तो अलग बात है. But there is no information that is new or unknown to you in this answer. So even if you are giving yourself 5 or 6 here, only one component has been checked. The second has not been checked. And आपको भी पता है इतना easy question नहीं आने वाला means में, कभी भी नहीं आएगा. This is like asking you what are fundamental duties. कोई नहीं पूछेगा इतना easy question यार. So now. What are the components of answer? There is an intro, there is a body, there is a conclusion. इसमें ज़्यादा time नहीं लगाते, ये बात सबको पता है. And nobody knows if UPSC marks these things separately or not. आज तक UPSC ने अपनी marking scheme release नहीं की है. तो कोई भी अगर ये claim कर रहा है UPSC ऐसे marks देता है, उनको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. सब post analysis है, ठीक है, पीछे से analysis देख रहे हैं हम. किसी को actually नहीं पता, except for the UPSC evaluators who are kept confidential. Nobody knows how marks are given. But the basic, you know, the agreement in the industry with the aspirants, with the teachers, with everybody is that demand meet karna sabse important hai. And if you are meeting the demand, you need to write a decent intro and a decent conclusion. Jo demand hai wo body mein meet hoti hai. Right? Hum har part ko efficiently hit karenge, only then we'll write a good answer. In 20 questions in the GS, you cannot write 20 good answers. Even rank 1 does not write 20 good answers. 20 good answers होते तो GS में 140 score आ रहा होता, but नहीं आ रहा. Evaluation में क्या problem है? Evaluation में problem है कि आपको उनको बोल दिया जाता है कि 3 से 4 के बीच में number दे दो जिसको भी देने, ठीक है? और अगर आपको evaluation की और with proof problem समझनी है ना, तो एक बार एक YouTube channel है Understand UPSC, उस पर जाके आज एक video देखना Understand UPSC. Just उन्होंने सत्यम जैन सर चलाते हैं and he has shown why evaluation that is happening in the mains papers is not right. Or actual evaluation kaise honi chahiye, unhone ye bataya hai. Dekhna zarur. Problem hai ki hume nahi pata marking kaise honi hai, but we have to be good in everything. Tabhi hume achhe marks milenge. Right? So we need to hit every part sufficiently in order to succeed. How do you do that? Sabse pehle intro ki baat karte hain.
intro is the first thing that the examiner will read of any question that you write. So it will make an impression. So it needs to catch the attention of the examiner. It also needs to generate an element of interest. अभी आप अपना मेंस का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है? मान लो मैं आपको 12,000 कॉपी दे दूं, जिसमें यही क्वेश्चन बार-बार लिखा हुआ है, 12,000 times, the same thing is written, explaining the format of the mains examination, same thing, 12,000 times, आप 10 के बाद पढ़ना छोड़ दोगे, आपको 12,000 पढ़नी है, सारे evaluators, एक ही evaluator सारी नहीं चेक करता, but minimum मुझे लगता है 1 to 2,000 तो एक evaluator चेक करता ही होगा, ये तो कितने evaluator लाते होंगे वो? अगर 1-2,000 कॉपी आपको पढ़नी पड़ गई विद द सेम आंसर तो आपका दिमाग बौखला जाएगा. सो यू नीड टू हैव एन एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, समथिंग नीड्स टू बी डिफरेंट, नहीं तो आप पढ़ना ही छोड़ दोगे. फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यू विल स्टॉप रीडिंग. सेकंड थिंग, इंट्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में. वन कैन बी करंट अफेयर्स बेस्ड. इन चीजों में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ ओरिएंटेशन है. आई विल शो यू ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन. वन इज करंट अफेयर्स बेस्ड. अच्छा यार, करंट अफेयर्स में यू नो ये चीज हुई थी अभी तो इसीलिए ऐसा है. दिस वी विल नो इफ यू हैव रेड करंट अफेयर्स, यू विल नो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है. देन देयर कुड बी डेफिनेशन बेस्ड. जैसे मान लो आरटीआई पे क्वेश्चन आए, ठीक है, इससे चलो सब कुछ समझाता हूं आपको. मान लो आरटीआई पे क्वेश्चन आए तो आप करंट अफेयर्स बेस्ड लिख सकते हो कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री हैज सेड दैट आरटीआई फाइलिंग इन इंडिया हैज रीच्ड न्यू हाइज. सेकंड कुड बी डेफिनेशन बेस्ड. The right to information is a statutory law that allows citizens to gain information through to all the government processes. Justice P.N. Bhagwati has called it a jewel in the Indian administrative system. This is definition based. Then data or fact based. As per former Chief Information Commissioner Shri R. Gandhi, is not Rahul Gandhi, kuch aur naam hai unka. Most of the RTIs filed in India are not frivolous. Koi quote, the second Administrative Reforms Commission has called the right to information the master key to the unlocking of good governance. This is a quote. Historical evolution. Right to information was recognized as a fundamental right by the Supreme Court in the 1980s. But with the passage of the Right to Information Act in 2005, this right has become a reality. 5 introduction ho gayi, same RTI ke question ki, right? This is the first thing we need to learn. Kuch topics hain jo puche jaate hain exam mein baar baar, unki introductions hamare paas tayar honi chahiye. Different type ki, har baar ye nahi hai ki aap 5 mein se koi bhi introduction likh do RTI ke question mein. Jo question hoga us pe depend karega ki in mein se main kaun si use karunga, depending on the context. If it is asking the challenges of RTI, I cannot talk about the greatness of RTI in the first statement. If it is talking about the frivolous RTIs, I cannot talk about definition of RTI. So, aapke paas 4-5 introduction ready ho, and then you use it in every paper. That is what RTI. That is what introduction is. Kuch core topics ke liye introduction tayar chahiye hame. Aur core topics kahan se milenge? We'll find them from the syllabus. So, ye pehli cheez hai. Now, in your mains answer sheet, there must be an ideal mixture. ये नहीं कि आप हर जगह data use करते हो या आप हर जगह definition use करते हो. Examiner will get bored. So you need an ideal mixture of this. And ऐसा नहीं है कि हर बार आप सोच रहे हैं मैं ये use कर दिया, this will come naturally to you. But you need to know these approaches. This is the first thing I will teach you. Second, body. Body is the main part. सारे number mainly यहीं से मिलने हैं. बहुत टॉपर्स ने कहा है और मैंने भी ये किया, जब टाइम कम होता है यू स्किप द इंट्रो, यू स्किप द कंक्लूजन, बट स्टिल द मेन पार्ट इज देयर इन द बॉडी. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स एज सून एज यू लुक एट इट. देन यू हैव टू थिंक लॉजिकली. लॉजिकली आपको सोचना है, क्योंकि अभी आपने आंसर लिखा ना, एक आपको रियलाइज हुआ ना कि लिखते लिखते आगे चीज सोचनी पड़ती है. The next thing has to be thought of while you are writing. तो क्योंकि लिखते लिखते सोचना पड़ता है, एक लॉजिक और एक पैटर्न होना चाहिए सोचने का, तभी हम ये चीज कर सकते हैं. अगर लॉजिक और पैटर्न नहीं है सोचने का तो हम आगे नहीं सोच पाएंगे. Then, this body is where you will fetch most of your marks, and this is the core skill we need to learn.
और हम आज ही इसमें काफी चीजें सीखेंगे। नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन में एग्जामिनर जब आपको मार्क्स देगा तो लास्ट में वो कंक्लूजन पढ़ेगा, ऐसे होगी आपकी आंसर शीट, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां आप कंक्लूजन लिखोगे, यहां वो मार्क्स दे देगा। तो योर कंक्लूजन नीड्स टू बी पॉजिटिव, गुड आउटलुक, फ्यूचरिस्टिक। तो कंक्लूजन में हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर द कंक्लूजन? वी कैन यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज। वी कैन यूज एक्रोनिम बेस्ड कंक्लूजंस, ठीक है? जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आए तो दिस इज अ समाधान, समाधान मीन्स सोल्यूशन इन हिंदी। समाधान ये कंक्लूजन में ये नहीं है कि समाधान लिख के आ गए, समाधान इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी टू डील विद नक्सलिज्म। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा GS3 में, डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आई शो यू इन एन आंसर। S stands for smart mentoring, A stands for aggressive strategy. ऐसे एक इसकी फुल फॉर्म है, तो दिस कैन बी वन ऑफ योर कंक्लूजन। यू कैन यूज दिस, या इन दिस रिगार्ड द रिकमेंडेशंस ऑफ XYZ कमिटी मस्ट बी फॉलोड। जैसे अगर FDI का क्वेश्चन आता है या PPP का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर एक मणिशंकर अय्यर कमिटी बनी थी। ये चीजें मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। PPP का क्वेश्चन आएगा, यू राइट, PPP is important for the growth and development of India. In this regard, the recommendations of the Manishankar Iyer Committee must be implemented. तो ये आपका एक conclusion हो गया, और ये ready होना चाहिए पहले से। वहाँ जाके नहीं सोच पाओगे आप, ये आपको realize हो गया होगा अभी। एक चीज और आपको अभी answer लिखते हुए realize होगी, intro and conclusion, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। Body आती होती है ना, तो भी you get irritated in intro and conclusion, क्योंकि intro conclusion सोचने में time लगता है, right? इंट्रो कंक्लूजन सोचने में दिमाग लगता है, दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। तो दीज थिंग्स वी नीड टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, ताकि वहां टाइम बचे, ओके? तो ये कंक्लूजन के टाइप हो गए। बेस्ट प्रैक्टिसेस कुड बी अ टाइप, जैसे नक्सलिज्म पे मान लीजिए क्वेश्चन आया, नक्सलिज्म का लिखा है तो ही बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक वैम मॉडल रन किया है नक्सलिज्म के लिए। वैम स्टैंड्स फॉर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स अप्रोच, वेर यू जस्ट डोंट डील विद नक्सलिज्म लाइक अ सिक्योरिटी इशू, you also win the hearts and the minds of the people who are impacted by Nazism. Okay? So, ab ye aapke conclusions ho gaye. SDG use kar sakte hain, DPSP, FD. Ab aapko ek homework hai. Pehla homework aaj ka hai, ki aapko ye yaad karke aane hain. Ab dekho, prelims ke liye hum inhe kaise yaad karte hain aur mains ke liye hum inko kaise yaad karte hain, bahut farak hai. Prelims ke liye aapko yaad karna hai ki SDG 1 kya hota hai. और मेंस के लिए आपको याद करना है कि जब पावर्टी पे क्वेश्चन आएगा तब मैं SDG 1 लिखूंगा, ठीक है? दिस इज द आइडिया। जब हेल्थ पे क्वेश्चन आएगा तब मैं SDG 3 लिखूंगा। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीलिम्स में हम याद करते हैं कि DPSP और FD क्या क्या है, ये DPSP में चीज है या FD में, वो अलग चीज है। अब मैं तुम्हें क्या याद करना है कि मान लो एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चन आएगा, तो मैं बताऊंगा दैट इन आर्टिकल 48 अड़ियल सांड, दैट द स्टेट, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द स्टेट टू जनरेट न्यू टेक्निक्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फॉर साइंटिफिक एडवांसमेंट एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 48 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट? उल्टा याद करना है, क्वेश्चन देख के DPSP याद आना चाहिए, क्वेश्चन देख के फंडामेंटल ड्यूटी याद आनी चाहिए। जब आपको विमेन पे क्वेश्चन आए तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी याद आनी चाहिए। जब आपको रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आए तो कॉमन ब्रदरहुड कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है, या इतना भी लिख दोगे दैट इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो दिस इज अ वेरी गुड कंक्लूजन। तो ये आपका पहला होमवर्क है कि आपको ये चीजें याद करनी है, और याद कैसे करनी है समझ आ गया? कॉमन ब्रदरहुड इज रिटन इन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये याद नहीं करना, बट जब रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां फंडामेंटल ड्यूटी यूज कर सकता हूं। This is a different way to remember. तो याद आप करो, and you practice with me, तो आपको ये use करने का, you know, you'll know how to use it. आपको याद आ जाएगा इसे कैसे use करते हैं. Okay? This is the next thing. अब, जब हम body की बात करते हैं, हमने introduction देख लिया, हमने conclusion देख लिया. Introduction के 5 types, conclusion में क्या-क्या कर सकते हैं, देख लिया. Now we have to understand what do we do when there is a body. Body में dimensions चाहिए आपको. मल्टीपल फेसेट्स आपको ओपन करने हैं क्वेश्चन के, वो हम कैसे करते हैं, दैट इज द मेन स्किल वी आर लर्निंग हियर। तो अब लेट्स टेक अ 5-मिनट ब्रेक, एंड देन आई विल शो यू द डायमेंशंस दैट वी विल यूज इन दिस कोर्स। स्टेपल अप्रोच कैसे यूज करते हैं,
टेम्पोरल अप्रोच कैसे यूज करते हैं, वेरियस लेवल्स पे कैसे सोचते हैं, लाइफ साइकिल क्या है, स्टेक होल्डर क्या है, डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा आपको, सप्लाई चेन क्या है, वी लर्न ऑल ऑफ दिस. बट बिफोर दिस लेट्स जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू एंड लर्न ऑल द डायमेंशंस. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास. अब हमने इंट्रोडक्शन को जान लिया, हमने कंक्लूजन को जान लिया, हमें रह गया बॉडी, है ना. हम बॉडी के बारे में सोच रहे हैं. अब बॉडी की अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, व्हाट कुड बी दी अप्रोचेस टू राइट द बॉडी, ये हमें सोचना है ना. अप्रोच क्या रह सकती है बॉडी लिखने की. अभी हम क्या देख रहे थे, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम, दैट व्हाइल यू वर राइटिंग, लिखते लिखते यू हैड टू थिंक, है ना. आपको लिखना था और लिखते लिखते आपको सोचना था. अगर दिमाग में एक सोचने का फ्रेमवर्क होता, मुझे पता होता नेक्स्ट चीज में ये सोचूंगा, नेक्स्ट चीज में ये सोचूंगा. एंड यार एक सेकंड प्लीज चैट रोक के ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स. अगले 30 मिनट ना आपके 2 अटेम्प्ट बचा सकते हैं. मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगले 30 मिनट आप ध्यान से सुन लो, आपके 2 अटेम्प्ट बच सकते हैं. अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ अ बॉडी इज रिटन इन अ मेंस आंसर. इंट्रो की बात मैं कर चुका, कंक्लूजन की बात मैं कर चुका, वो रिकॉर्डेड देख लेना. बॉडी कैसे लिखते हैं वो अभी देख लो. प्लीज चैट बंद करके फोकस एंड लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स. आई प्रॉमिस आई विल सेव एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट फॉर यू. एटलीस्ट 1 मिनट बचाऊंगा मैं, 1 अटेम्प्ट बचाऊंगा आपका अगले 30 मिनट्स में. जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. जब हम लिखते हैं कोई भी आंसर, व्हाइल राइटिंग वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ता है लिखते लिखते कि अरे यार क्या चल रहा है ना. मतलब यू जस्ट आपके दिमाग में आपने एक क्वेश्चन, एक पॉइंट लिखा, देन नेक्स्ट पॉइंट यू कांट स्टॉप थिंक एंड देन राइट. व्हाइल राइटिंग द वन पॉइंट द नेक्स्ट हैज टू कम टू योर माइंड, देन नेक्स्ट हैज टू कम टू योर माइंड. यही है ना अल्टीमेटली. ये भी आपने मेंस का क्वेश्चन लिखा था, आपको रियलाइज हो गया होगा. तो इसका तरीका क्या है, देयर मस्ट बी सम अप्रोच टू दिस. व्हाट इज द अप्रोच, स्टेपल, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच. आप सोच लो कि अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो यू विल राइट इट इन अ सोशल डायमेंशन, टेक्नोलॉजी डायमेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन. ठीक है, सोशल में क्या क्या लिख सकते हो, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लॉयटेशन, इश्यू ऑफ आइडेंटिटी. टेक्नोलॉजी में क्या लिख सकते हो, एक्सेस, वल्नरेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. एडमिनिस्ट्रेशन में लैक ऑफ डेटा, इंस्टीट्यूशंस, इंप्लीमेंटेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन. पॉलिटिकल में लिख सकते हो पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. लीगल में लिख सकते हो लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. इकोनॉमिक में लिख सकते हो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, कैपिटल, मार्केटिंग, पॉवर्टी, पॉवर्टी ट्रैप. अब लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो इस साल बहुत लाइकली क्वेश्चन है. व्हाट आर द इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड फॉर ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन आ गया. अब अगर मैं आपको ये ना पता हो और आप सोचने लगो तो नहीं लिखा जाएगा. बट अब इसके हिसाब से देखो, दे हैव लेस एजुकेशन, दे डू नॉट गेट इनफ सपोर्ट विद रिगार्ड्स टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी इज लैकिंग इवन दो देर इज अ ट्रांसजेंडर एक्ट, एक्सप्लॉयटेशन इज देयर ऑन द स्ट्रीट विच माइट बी सेक्सुअल और इकोनॉमिक, देर इज एन इशू ऑफ आइडेंटिटी बिकॉज इन द ट्रांसजेंडर एक्ट द सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दे लैक द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, they are vulnerable to technological crimes such as cyber crimes, they lack enabling infrastructure for their holistic mental and physical growth, there is not enough data with the administration with regards to transgenders, institutions like the transgender council is powerless, implementation of the transgender act is not done at the grassroots level, there is lack of interministerial coordination because there are many policies but not enough coordination with regards to transgenders, policies with regards to transgenders have not been made with equitable political participation of transgender persons, laws and constitutional provisions are there but they are not enforced, they lack gainful employment and face the issue of discrimination, they do not have marketable skills in them to gain economic empowerment, they are stuck in the poverty trap and therefore they are stuck in the cycle of vicious cycle of poverty. कितने पॉइंट हो गए, 15-20 पॉइंट हो गए, 2 मिनट नहीं लगे ट्रांसजेंडर के इश्यू को सोचने में. अब मेरे दिमाग में अगर मुझे ये याद है तो क्या मुश्किल है ट्रांसजेंडर पे आ जाए, विमेन पे आ जाए, चिल्ड्रन पे आ जाए, ट्राइबल्स पे आ जाए, ये सेम पॉइंट रिपीट हो सकते हैं.
बस थोड़े से वर्ड्स को ऊपर नीचे करना है, थोड़ी वोकैबुलरी डेवलप करनी है, अगर ऐसे सोचना है तो योर आंसर इज डन। लिख लिए ना इश्यूज, जब इश्यूज लिख लिए, सोशल इश्यूज लिखे हैं तो सोशल ही सोल्यूशन लिखेंगे कि हेल्थ में वी नीड टू फॉर्म द अप्रोच ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, वी नीड टू सेंसिटाइज द डॉक्टर्स, वी नीड टू सेंसिटाइज द टीचर्स फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन एंड टेल देम दैट जेंडर इज समथिंग दैट इज पर्सनल टू यू, एंड वी नो इन आवर एजुकेशन सिस्टम वी नीड टू इंक्लूड सेक्स एजुकेशन, वी नीड टू गिव देम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऐसे ही आप आंसर लिख लो, ठीक है, मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट आंसर इन द वर्ल्ड, इसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। दो चीजें हैं, देयर इज कंटेंट एंड देयर इज एडवांस कंटेंट, बट अगर आपके पास एक बेसिक कंटेंट है, वैल्यू एडिशन आपने उतनी नहीं भी कर रखी, तो यू विल हैव इनफ डायमेंशंस यार, एंड कोई आपको ऐसे आंसर में पांच से कम नहीं दे रहा 10 में से, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वैलिड एंड यू विल नो हाउ टू थिंक। ऐसे लिखते हैं मेंस का आंसर, वंस यू नो दिस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई वल्नरेबल सेक्शन का क्वेश्चन आ जाए स्टेपल से हैंडल हो जाएगा। दिस इज जस्ट द फर्स्ट अप्रोच। सेकंड दिखाता हूं, टेम्पोरल। मान लो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट, लेट्स से द क्वेश्चन इज जीएस2 में गवर्नेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नेंस आता है ना, सिविल सर्विसेज, गवर्नेंस, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन चार्टर, ये सब सिलेबस में है जीएस2 में। व्हाट आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट चेंजेस नीड टू बी मेड, एंड व्हाट आर, व्हाट इज द ट्रेडिशनल सिस्टम, अभी क्या सिस्टम है और हमें बाद में क्या चाहिए, लाइक व्हाट आर द चेंजेस दैट वी नीड, व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन द सिविल सर्विसेज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में, दे आस्क्ड आर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स नीडेड इन द सिविल सर्विसेज एंड लिस्ट सम ऑफ दोस रिफॉर्म्स। अभी कैसा है, आप टेम्पोरल अप्रोच यूज करो कि इन टाइम, टेम्पोरल रिलेट्स टू टाइम, कि आज कैसा है और आगे कैसा होगा। टुडे इट इज स्टेटस को, कोस्ट बेस्ड, कि अभी जैसा है चलने दो, वी नीड अ चेंज ओरिएंटेड सिविल सर्विस। Today we have a rigid civil service, we need a flexible civil service. We have an ivory tower approach. Ivory tower approach means I will sit in my high office on my chair and look down on the citizens, versus I need a people centric approach where I am going to the field and talking to the citizens. Authoritative versus democratic. Veil of secrecy means kuch nahi bata rahe, RTI ka jawab nahi de rahe, versus transparency and accountability. Ye dekh rahe ho, this is a temporal approach. This is one more approach of writing an answer. जैसे इंडियन फेडरलिज्म पे आ जाए, ये आपको सोचना है, अपनी नोटबुक में लिखना है इंडियन फेडरलिज्म, ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, बट देर आर मेनी स्टेजेस थ्रू विच इट हैज इवॉल्व्ड। पहले कन्फ्रंटेशनल था, फिर कोऑपरेटिव हुआ, अब फिर कंपेटिटिव आया, अब कंपेटिटिव कोऑपरेटिव आ गया, अब कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है। आप इस वे पे फेडरलिज्म पे आंसर लिख सकते हो। दिस इज वन मोर अप्रोच। पहले सीखा स्टेपल अप्रोच, देन वी लर्न टेम्पोरल अप्रोच। आई विल जस्ट राइट ऑल द अप्रोचेस हियर ताकि बाद में क्लास के एंड में मैं आपको दिखा सकूं। These are your weapons for the mains exam. ये आपके weapons हैं, ठीक है? Staple approach, temporal approach, let's go on. Level analysis. GS4 में शायद 2019 में question आया, what does happiness mean to you? ठीक है, यहाँ पे you cannot write that I like, you know, happiness for me is eating a nice pizza, for, you know, having a nice chocolate, going out on a date with my girlfriend. Of course, these things makes everybody happy, but this is not what you write in this answer, right? This is level analysis, the next approach. Individual level pe mere liye happiness kya hai? Hai na? Mere self goals hai, mere time management hai, mere fulfillment hai, mere family hai. Then at the group level, for my family, what are my goals? Then for my society, mere liye happiness hogi agar India mein casteism khatam ho jaye, agar India mein regionalism khatam ho jaye, brotherhood hona shuru ho jaye, women ki respect shuru ho jaye. Then at the national level, I would be happy if my country grows and eliminates the problem of poverty. If my country is able to provide universal education. Then at the international level, if we are able to deal with global challenges of climate change, global challenges of terrorism, then it will make me happy. This is one way of writing another answer. Individual level, group level, society level, national level, international level. Levels pe socho. Aur essay mein bahut kaam aata hai ye sab. जब एस्से लिख रहे होते हो, इसी चीज को आप कंक्लूजन बना सकते हो किसी भी एस्से का। इस साल जो मैंने एस्से लिखा था, दिस वाज माय कंक्लूजन। द एस्से आई रोट वाज, आई हैव 122 मार्क्स इन द एस्से। द एस्से आई रोट वाज, अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज फॉर। एट द इंडिविजुअल लेवल, इट मींस दैट आई डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ, आई हैव टू कीप ग्रोइंग, आई हैव टू कीप इनोवेटिंग। एट द सोसाइटी लेवल, इट मींस वी कैन स्टे इन आवर शैडो ऑफ
casteism, regionalism, communalism, but we might be safe here, but this is not what the society is for. It is meant to grow. At the national level, we can ignore the problems of poverty, but this is not what a nation is for. We have to move forward, venture, experiment, find new ways to solve the problems. At the international level, you can ignore the issue of climate change and feel that we are safe and the next generation will deal with it, but that is not what we are for. We are meant to experiment. We are meant to venture out, to take risks and find solutions to global problems. This is one other approach, level analysis. Agar aap ye bas approaches seekh jao na, aapka mains manage ho jayega. Third approach, level analysis. Next, life cycle based approach. Jo science and tech environment mein the, unko ye baat already pata hai. Jo nahi the, unko baga deta hun. Maan lo aapko kisi bhi technology pe question aa jaye. ठीक है, आप उसको पूरे लाइफ साइकिल पे इमेजिन कर लो. लेट से देयर इज अ क्वेश्चन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, जो इस बार बहुत एक्सपेक्टेड है. नैनो टेक्नोलॉजी करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, फॉर एनी इशू ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू नीड पीपल, साइंटिस्ट है ना, रिसर्चर, यू नीड फंड्स, मनी, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड लैब्स एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप. ये करके क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. देन व्हेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यू नीड रेगुलेशन, कि ऐसा ना हो कि वो ह्यूमैनिटी को हार्मफुल ही हो. यू नीड इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, वॉट एवर इज देयर इन एकेडमिक्स, है ना, मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं वर्सेस जो इंडस्ट्री में हो रहा है. दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी सेपरेट, दीज टू कैन नॉट बी डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो देयर नीड्स टू बी एन इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज. देन जब आप टेक्नोलॉजी बना लोगे, यू विल नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि कोई कॉपी ना कर ले, एंड ओवरऑल यू विल नीड लीडरशिप. अब नैनोटेक पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नैनोटेक छोड़ो, किसी भी टेक्नोलॉजी पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहला पॉइंट पीपल के बारे में, दूसरा फंड्स के बारे में, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देन प्रोडक्शन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के बारे में, आईपीआर के बारे में, लीडरशिप के बारे में. आठ चैलेंजेस हैं, आठ वे फॉरवर्ड है. और अगर ये दिमाग में है तो सोचने में टाइम नहीं लगेगा, घटकट पॉइंट निकलेंगे, दो पेज भरने में 6-7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एंड ऑल पॉइंट्स विल बी लॉजिकल. दिस इज नेक्स्ट अप्रोच, लाइफ साइकिल बेस्ड. नेक्स्ट, स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच. कंसिडर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन अ प्रोसेस एंड जेनरेट पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ देम. मान लो क्वेश्चन आ जाए, व्हाई इज देयर अ राइज इन एनपीए इन द बैंकिंग सेक्टर एंड व्हाट आर इट्स इंपैक्ट्स, या व्हाट इज इट्स इंपैक्ट. ये क्वेश्चन आ गया. अब एनपीए के लिए कौन कौन स्टेक होल्डर है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, कौन कौन इन्वॉल्व है? द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, द बोरोवर्स आर इन्वॉल्व, द डिपॉजिटर्स आर इन्वॉल्व, the banks are involved, the regulator is involved. Yahi log hai na NPA mein. And you can say our society as a whole is involved. Ab jab mujhe point likhna hai, why is there a rise in NPA? Ek point mein likhun government ke basis pe, ke bhai inhone twin balance sheet problem ko address nahi kiya, asset quality review chal raha hai bahut time se, regulatory forbearance hai. Phir main likhun borrowers ke side se, that you know there is a stagnation in the infrastructure market. तब मैं लिखूं डिपॉजिटर्स के साइड पे, डिपॉजिटर्स का रीजन नहीं बनेगा बट इंपैक्ट तो बनेगा, दैट बोरोइंग इनकी खराब हो जाएगी, देयर दे डोंट गेट अ मनी बैक, देयर इज समटाइम्स अ बैंक रन, बैंक क्लोजर्स हैव टू हैपन. देन बैंक के हिसाब से, बैंक व्हेन इट गोज इनटू एनपीए, इट गोज स्ट्रिक्टर, देयर आर स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ बैसल 3 नॉर्म्स. नाउ द बैंक हैज टू हेज अगेंस्ट इट्स प्रॉफिट्स, इट हैज टू डू प्रोविजनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक इज इंपैक्टेड. देन रेगुलेटर, रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है. आरबीआई के क्या क्या इश्यूज हैं, सेबी के क्या क्या इश्यूज हैं विद दिस, जैसे कि देर आर इश्यूज ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, देर आर इश्यूज ऑफ आरबीआई ट्राइंग टू कंसोलिडेट ऑल द डेटा इन वन प्लेस बट कर नहीं पा रहे हैं, है ना, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने की बात हो रही है. देन NARCL, IDRCL, ये पता होगा आपको, ये बन रहा है ना, दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट. एंड ये क्यों बना, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन. लास्ट इज सोसाइटी, economic growth gets hampered. If there are too many NPA, crime will increase because employment opportunities will decrease. This is another approach of writing an answer. ये सारी approaches मैं आपको through PYQs use करके दिखाऊंगा, ताकि आपका fear खत्म हो जाए answer देख के. You will know question देखते कि यार ये ऐसे सोचना है, आपको सोचना आ गया तो आपको लिखना भी आ गया. Next, NPA की बात हो रही थी, इंट्रोडक्शन में आप दोगे डेटा या फैक्ट दे दो अबाउट एनी एनपीए, क्या चल रहा है, व्हाई इज देयर अ राइज इन एनपीए,
देन रीजंस फॉर एनपीए राइज, या तो आप लाइफ साइकिल अप्रोच यूज कर लो या स्टेक होल्डर अप्रोच यूज कर लो. एनपीए राइज में लाइफ साइकिल अप्रोच कैसे होगी कि भाई पहले डिपॉजिटर आता है, बैंक में जाता है, बैंक लोन देता है, यहाँ पे रेगुलेशन चाहिए, वो ढंग से नहीं होती, देन ये बंदा भाग जाता है तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर बन जाता है ना. यहाँ पे कॉर्पोरेट ग्रोथ नहीं हो रही. यू कैन राइट बॉडी पार्ट टू, इम्पैक्ट में स्टेक होल्डर अप्रोच, कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं और उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. बॉडी थ्री, व्हाट आर द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड. इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ो, यहाँ पे रिफॉर्म्स पूछे नहीं हुए हैं, दे हैव नॉट आस्क्ड द रिफॉर्म्स इन दिस क्वेश्चन, बट इफ दिस इज अ 15 मार्कर तो 3 पेज भरने हैं तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी. और यहां भी आप रिफॉर्म स्टेक होल्डर बेसिस पे लिख लो कि बोरोवर्स को क्या चेंज करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को क्या चेंज करने की जरूरत है, रेगुलेटर को क्या चेंज करने की जरूरत है, डिपॉजिटर्स को क्या चेंज करने की जरूरत है. लास्टली कंक्लूजन में कोई कमिटी रिकमेंडेशन या कोई बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे हम बात कर रहे थे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, एसेट मैनेजमेंट कमिटी, समथिंग लाइक दैट. राइट, हो गया आंसर अगर स्टेक होल्डर अप्रोच समझ आ गई तो. नेक्स्ट, सप्लाई चेन अप्रोच. मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, कोई भी, मेरे को क्वेश्चन नहीं पता, इनपुट क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में, देयर इज लैंड, देयर आर सीड्स, देयर इज वाटर, सॉइल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स. व्हाट इज द प्रोडक्शन, यू प्रोड्यूस क्रॉप्स, फिशेस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चरल थिंग्स एंड लाइफ स्टॉक. व्हाट हैपेंस पोस्ट प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, वैल्यू एडिशन एंड फूड प्रोसेसिंग. यही डायमेंशन है ना, मुझे एग्रीकल्चर पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए सो आई कैन थिंक अलोंग दीज लाइंस एंड मेरे पॉइंट्स ऐसे ऐसे जनरेट होते जाएंगे. एंड सिंस दिस इज अ लॉजिकल वे टू थिंक, मुझे याद रहेगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मैं पहले इनपुट पे पॉइंट्स लिखूंगा, फिर मैं प्रोडक्शन पे चला जाऊंगा, फिर मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे चला जाऊंगा. इसमें मुझे चार चीजें याद है, इसमें मुझे दो चीजें याद है, इसमें मुझे तीन चीजें याद है. दिस बिकम्स 9 पॉइंट्स इन अ 10 मार्कर. सोचने का तरीका आता है, कंटेंट आप खुद ऐड करो एंड यू विल बी डन. दिस इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स. नेक्स्ट थिंग वी हैव लर्नड इज सप्लाई चेन. एंड टेंशन मत लो, ये अप्रोचेस इतनी बार मेंशन होंगी कि आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आंसर राइटिंग में. नेक्स्ट, जीएस पेपर वाइज कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये कॉमन है इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये बहुत लोग यूज करते हैं. वी विल टेक द डायमेंशन फ्रॉम द जीएस पेपर इटसेल्फ. जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी पे ऐसे आ जाए, चलो जीएस वन से देखेंगे यार व्हाट इज द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कैसे इवॉल्व किया है मनी, सोशल इंपैक्ट क्या है, ज्योग्राफिकल में व्हाट इज द रीजनल इंपैक्ट. कहीं पे तो ज्योग्राफी में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, कहीं पे लोग उससे यूज नहीं कर पा रहे. देन व्हाट आर द पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस ऑफ दिस, बिकॉज इट इज टेकिंग अवे द सॉवरेन फंक्शन ऑफ मनी क्रिएशन. मनी क्रिएशन वॉज अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट, बट क्रिप्टो करेंसी हैज टेकन इट अवे. What is the international? ये IR है, GS2 की बात चल रही है, वो GS1 था, ये GS2 है. What are the international implications? Terror funding, है ना? Trafficking, weapons trafficking. Then governance based, कि governance में क्या problems हैं with regards to cryptocurrency. Then economic impact, economic impact तो cryptocurrency का बहुत ज्यादा है. Environmental impact, कैसे होती है cryptocurrency? It is you need to mine it through a supercomputer or mine it through a graphics card. तो उसका environmental impact, CO2 emission. Then technological impact, how it is enabling us to grow more technology. Cryptocurrency is ultimately based on blockchain and blockchain ko hum use kar rahe hain. Then security, terror funding and how it is misused. And then finally ethical use of cryptocurrency. Pura essay likh sakte ho aap cryptocurrency pe agar aapko ye approach use karni aati hai to. Right? So GS paper wise. Next. SWOT analysis, ये बड़ी कॉमन चीज है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, किसी चीज के बारे में आए हम SWOT analysis यूज कर सकते हैं. ये मैं आपको questions में दिखाऊंगा, when we go for it, I will show it to you, SWOT analysis. Then, social divide, अगर किसी सोसाइटी या सोशल इश्यूज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट divisions हैं, हम उनको देख सकते हैं कि रिच वर्सेज पुअर क्या होता है, अर्बन वर्सेज रूरल what happens, men versus women versus transgender. What is the approach that is followed by these people, right? तो हम ये use कर सकते हैं. तो this is another approach of social divide. And tension मत लो, this is just the first class. हर PYQ में आपको इनमें से एक approach use करके ही मैं उसको solve करवाऊंगा. Then definition based. अब ये बहुत interesting चीज़ है.
गुड गवर्नेंस के वर्ल्ड बैंक ने 8 कंपोनेंट्स दिए हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन दीज 8 कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। कोई भी क्वेश्चन गुड गवर्नेंस पे आ जाए या गुड गवर्नेंस से लिंक्ड आ जाए, आप ये चीजें लिख दो। कंसेंसस ओरिएंटेशन, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉज, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मान लो क्वेश्चन आए, हाउ इज द ग्राम सभा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस? कैसे ग्राम सभा एक इंस्ट्रूमेंट है गुड गवर्नेंस का? ग्राम सभा focuses on consensus orientation. There is a consensus taken of all adults in a village. Gram Sabha is responsible to the local problem since it is constituted at the grassroots level. It is accountable to the people since people are themselves involved in it. There is a participatory approach since every adult is invited. Main bilkul basic bata raha hu aapko. Transparency. All decisions of the Gram Sabha are taken openly, open to RTI, and since people are participating themselves, transparency is ensured. Rule of law. In various laws such as the Forest Rights Act, the Gram Sabha is given primacy. Then, equity and inclusiveness. There is an equitable approach and it includes all regardless of their caste, creed, gender, color, etc. It is effective and efficient since they realize the problems at the grassroots level, they are effectively and efficiently able to deal with them. ये मेरे को याद है good governance की definition. आने दो good governance पे question. इन्हीं words को उल्टा नीचे करके मैं answer लिख सकता हूँ. Now my thinking will become easier. है ना? यही है. Next is definition based. Just a second. Okay. Next है component based. जैसे मान लो कोई बॉडी पूछ ली जाए, बॉडी जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछा था 2021 में भी 22 में भी, बॉडी कोई भी बॉडी है जैसे एनएचआरसी है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, कुछ भी है, किसी भी बॉडी में देयर विल बी सम पीपल, इट विल हैव सम पावर्स, इट विल हैव अ प्रोसेस एंड इट विल हैव सम इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। पीपल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनमें स्किल्स नहीं है एंड स्केलेबिलिटी नहीं है। पावर में क्या इशू हो सकता है? कि ऑटोनॉमी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रोसेस में क्या हो सकता है? एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब कुछ भी पूछ लो मेरे से किसी भी बॉडी के बारे में, आई विल फिट इट इन टू दिस फ्रेमवर्क एंड राइट द आंसर। तो मेरे पास सोचने के लिए टाइम मेरा खत्म हो गया, अब मेरे पास कंटेंट जरूर होना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ डेटा है विद रिगार्ड्स टू स्किल्स और स्केल, कुछ डेटा है विद रिगार्ड्स टू ऑटोनॉमी ऑफ एनएचआरसी, जैसे आपको पता ही होगा अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, देन आई कैन राइट। बट अगर नहीं भी पता, इफ आई जस्ट मेंशन द पॉइंट, इट इज नॉट इररिलेवेंट, नॉट इनवैलिड एंड इट इज गोइंग इन अ सर्टेन फ्रेमवर्क। सो दिस इज वन मोर अप्रोच, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट, अब देखते हैं आपने कितना समझा है, ठीक है। What are the challenges and implementation of the Right to Information Act? आप लेना 5 मिनट पहले, अभी आप मुझे बताओ कि जो बात मैंने अभी तक आपसे करी है, are you understanding what we are going to do here? बस ये बता दो। अब आप एक काम करो, उसी नोटबुक में जो आपके पास है ना, इस क्वेश्चन को टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लो एंड ट्राई राइटिंग वॉट एवर पॉइंट्स कम टू माइंड। What are the challenges in the implementation of Right to Information Act? जो दिमाग में आ रहा है वो लिखो, but try using an approach. एक approach use करने की कोशिश करो. I know मैंने अभी सिखाया है, I know अभी करना possible नहीं है, I know it is difficult. And honestly, आपसे अगर अभी नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, but just try and do it. एक बार करके देखो यार. What are the challenges in the implementation of Right to Information Act? Just try doing it once. 5 मिनट लो. I'll give you 5 minutes and write down all that you can. We are just about to end this class. 2-4 slide reh gayi hain, then I'll leave you. ठीक है? 5 मिनट में लिखने की कोशिश करो. Okay, good that most of you participated. बढ़िया. This was, मैं बताऊंगा कौन सी approach use करनी है, इसका आंसर भी दिखाऊंगा आपको अभी. But this was just a starting session. Okay, this was just to start, to show you कैसे करना है. But just tell me one thing, आपने कोई भी approach use करी हो या नहीं भी करी हो, कोर्स के एंड तक आप इतने प्रोफिशिएंट हो जाओगे अप्रोच यूज करने में कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली।
बट जस्ट टेल मी, जो आपने पहला आंसर लिखा था अभी से एक घंटा पहले और जो आपने अभी लिखा है, इज देयर अ डिफरेंस? कैन यू फील अ डिफरेंस इन द आंसर दैट यू आर राइटिंग? देखो, इसमें आप स्टेपल यूज कर सकते थे, इसमें आप स्टेक होल्डर यूज कर सकते थे. आई वुड हैव प्रेफर्ड दिस, ऑनेस्टली मैं ये बेस्ट ये प्रेफर करता. एंड इसमें आप डिमांड एंड सप्लाई भी यूज कर सकते थे, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं था. डिमांड एंड सप्लाई कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं. देखो, आरटीआई के चैलेंजेस हैं, ये स्टेक होल्डर का ही एक, यू नो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर अप्रोच. डिमांड कौन कर रहा है आरटीआई? हु इज डिमांडिंग आरटीआई? द सिटीजन. हु इज सप्लाइंग द आरटीआई? हु इज सप्लाइंग? द गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी. एंड देर इज अ रेगुलेटर, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द स्टेट्स. सो देर इज अ डिमांड, देर इज अ सप्लाई एंड देर इज अ रेगुलेशन. तो अब इन तीनों में हम, लेट अस लुक एट द चैलेंजेस. सिटीजन की डिमांड है, क्या चैलेंजेस है? अवेयर ही नहीं है वो आरटीआई के बारे में, लोगों को पता ही नहीं आरटीआई के बारे में. देन देर इज डिफिकल्टी इन फाइलिंग. सिर्फ 77% लिटरेसी है इंडिया में, 23% तो लिटरेट ही नहीं है, तो उनका क्या? देन देर आर मेनी एग्जेम्पशंस. देर इज विक्टिमाइजेशन ऑफ एक्टिविस्ट. सुनते हैं ना, हम एक्टिविस्ट को मार दिया, आरटीआई एक्टिविस्ट को गोली चला दी, यू नो, दे वर असॉल्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन लास्ट माइल डिलीवरी, जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो कैसे जाए? उसके घर आता है आइडली, देर इज अ एपीआईओ हु इज मेंट टू गो टू योर प्लेस टू टेक योर आरटीआई एप्लीकेशन, बट दिस डजंट हैपन. देन पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड, जो दे रहे हैं उससे आरटीआई लगाने से फायदा ही नहीं हो रहा. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सप्लाई कौन दे रहा है? गवर्नमेंट. देर इज मिस यूज ऑफ सेक्शन 8. एंड किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था, मिस यूज ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. Section 8 is that part in RTI that gives exemptions to the government. Then there is bureaucratic resistance, jo humne status quo se dekha tha. Then lack of training of officials. Ye government ki supply problems hai. Lack of digitization of information. Yaar, files mein, daftaron mein, dhool ikatthi ho gayi hai. Wahan se nikal nikal ke aap information doge, to kaise baat banegi? To digitization hai hi nahi. Penalties are not enforced. पीपल आर ओवरबर्डन. पेनल्टी क्या है आरटीआई में, कि अगर कोई बंदा आपको सप्लाई नहीं करता इन्फॉर्मेशन, पर डे की पेनल्टी लगनी है? नहीं लगती. ऑलरेडी ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन. ये सप्लाई साइड चैलेंजेस हो गए. थर्ड, रेगुलेटर. एक एडजुडिकेशन की प्रॉब्लम है कि आरटीआई में जब कोई केस आ जाए कि इन्होंने आरटीआई का जवाब नहीं दिया, है ना, दे हैव नॉट गिवन एन आंसर टू द आरटीआई, तो इतने अपेलेट मैकेनिजम्स हैं कि एडजुडिकेशन ही नहीं हो पाती. Then 9 states में इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वैकेंसी है ना, कंटेम्प्ट पावर नहीं है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास. कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह देता है गिव द इंफॉर्मेशन इन द आरटीआई, द डिपार्टमेंट स्टिल डज नॉट गिव इट, देयर इज नो कंटेम्प्ट पावर, राइट. देन देयर इज अ कल्चर ऑफ सीक्रेसी इन द गवर्नमेंट. देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ इन द रेगुलेशन ऑल्सो. हो गए 4 पॉइंट ये, 6 पॉइंट ये, एंड कुछ 6 पॉइंट ये. यू हैव जस्ट रिटन 16 पॉइंट्स फॉर चैलेंजेस ऑफ आरटीआई. यू विल नेवर नीड टू राइट 16 पॉइंट्स इन चैलेंजेस ऑफ आरटीआई, बट इफ यू नो हाउ टू थिंक, यू कैन प्रायोरिटाइज द बेस्ट वंस. समझ आया? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स. लास्ट चीज है डिमांड एंड सप्लाई. ये करने वाले हैं हम इस कोर्स में. दिस इज द आइडिया ऑफ दिस कोर्स. Staple approach, temporal, level analysis, life cycle, stakeholders, component based, supply chain based, GS paper wise, SWOT, social divide, definition based and demand and supply. एक दो और अप्रोच अगर आती हैं तो मैं आपको विद टाइम बता दूंगा, बट विद दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व एवरी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तभी सोसाइटी से स्टार्ट कर रहा हूं. देखो यार, हिस्ट्री के क्वेश्चन में यह चीज लगाना मुश्किल है, आप भी समझोगे. अगर उन्होंने पूछ लिया अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो क्या अप्रोच लगाऊंगा मैं इसमें? वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट मोस्ट क्वेश्चंस मेंस में वैसे नहीं होते. सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन जगहों पे ही अप्रोचेस लगती है. जो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है उनमें ये अप्रोच कम लगती है. लगती है, वहां भी दिखाऊंगा, बट वहां कम लगती है. दैट इज वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन सोसाइटी. जो लॉस का आपका इशू है ना, विद इन वन वीक
इट विल बी रिजॉल्व्ड. एक वीक में शेड्यूल नॉर्मल हो जाएगा, पहले वीक की मेहनत है. बट आप ये सीख तो लो यार, ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको अभी से फील हो गया होगा कि अगर आपने ये सीख लिया तो मेंस में जीएस में प्रॉब्लम नहीं आएगी बियॉन्ड अ पॉइंट. ठीक है, नहीं आएगी आपको बियॉन्ड अ पॉइंट प्रॉब्लम इफ यू लर्न ऑल ऑफ दिस. राइट, दिस इज व्हाट इज नीडेड.